हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से, जहां आज मैं आपको बताने वाली हूं अनुपमा शो के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, इन दिनों सुपर हिट शो अनुपमा में काफी हलचल मची हुई है। दोस्तों आज के एपिसोड में अनुज अनु और अनुपमा को सास से मिलने के लिए कहता है। पाखी ने अधिक से माफी मांगी और कहती है कि उसके माता पिता की वजह से हर बात सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अधिक कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी सहन कर सकता है। वह उसे पाखू कहता है और कहता है कि वह उसे बहुत याद करता है। पाखी अधिक से और उसे पाखू बुलाने के लिए कहती है। अधिक का कहना है कि उसे घर में उसकी मौजूदगी पसंद है। वह पाखी के साथ साझा करता है कि अनुपमा वनराज की वजह से उसे डर है कि कहीं वह उससे मिलना बंद ना कर दे। दोस्तों किंजल पाखी के बाल बनाती है और लीला पाखी से पूछती है कि वह इतनी तैयारी क्यों कर रही है। काव्या लीला से हमेशा शिकायत ना करने के लिए कहती है। वनराज पाखी को अकेले कॉलेज जाने देता है, उसे पाखी पर भरोसा है। लीला को वनराज का निर्णय पसंद नहीं आया। दोस्तों अनुपमा अनुज से कहती है कि उसने कल रात बरखा और अधिक के सामने बात क्यों दोहराई। अंकुश अनुज और अनुपमा की बातें सुनता है और चिंता करता है कि उसका भाई कुछ घोषणा करने वाला है। सा के घर पहुंची राखी और लीला किंजल की शादी को लेकर बहस करती है। लड़ाई देखकर किंजल गुस्सा हो जाती है। उसने घोषणा की कि उसकी डिलीवरी सा के घर पर होगी। राखी ने किंजल की डिलीवरी तक सा के घर पर रुकने का फैसला किया। सा दंग रह जाते हैं। दोस्तों राखी को अनु के बारे में पता चलता है। पाखी अनुपमा के साथ दुर्व्यवहार करती है, वह उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। वनराज ने पाखी से व्यवहार करने को कहा। किंजल भी पाखी से अनुपमा को सम्मान देने के लिए कहती है क्योंकि वह उसकी माँ है। पाखी कहती है कि अनुपमा माँ के नाम पर कलंक है। पाखी कहती है जब तक आपके पास कुछ नहीं था तो आप परफेक्ट मॉम, परफेक्ट बहू और परफेक्ट सास थी। दोस्तों पाखी कहती है कि आप कपाड़िया बनते ही आप में घमंड आ गया है। यहाँ पापा आपको भाव नहीं देते थे, वहाँ अनुज पल्लू पकड़ के चोरू का गुलाम बन गया है। दोस्तों क्या पाखी अनुपमा को माँ के रूप में स्वीकार करेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।